छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संघ के बैनर तले विकासखंड पिथौरा के सचिवों ने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर 15 दिनों से जनपद कार्यालय पिथौरा के सामने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। सचिवों का कहना है कि पूर्व में उनकी मांगों को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने उन्हें आश्वासन दिया था, परंतु सालों बीत जाने के बाद भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, जिससे सचिव संघ काफ़ी आक्रोशित हैं। उसी कड़ी में पिथौरा ब्लॉक के सचिवों ने प्रतिदिन अलग अलग तरीके से नुक्कड़ नाटक व ढोल नगाड़ा बजाकर छत्तीसगढ़ सरकार से अपनी मांगें पूरी करने हेतु प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कौतूहल का विषय बना हुआ है। सचिवों ने सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि घोषणा पत्र में उनकी जो मांगे हैं उनको निःशर्त जल्द से जल्द पूरा किया जाए, अन्यथा सचिव संघ भूख हड़ताल के लिए बाध्य होगी, जिसकी पूरी जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। सचिवों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक उनका उग्र धरना प्रदर्शन अनवरत जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ सेवा मीडिया नेटवर्क पर पिथौरा से लोचन चौहान की खास रिपोर्ट। और हमारे जो प्रांतीय आह्वान पर आज 14वां दिन हड़ताल जारी है और अनवरत जारी रहेगा। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत कभी शासन को संदेश देने के लिए आज ढोल नगाड़ा के साथ हमारे आंदोलन को किया जा रहा है, और आगे जो हमारे प्रांतीय कार्यालय द्वारा जो आदेश जारी किया गया है, और जैसे भैंस के आगे बीन बजाना भी एक हमारे कार्यक्रम के रूपरेखा में अंकित है, रखा गया है, और जब तक सरकार हमारी 1 सूत्रीय मांग को नहीं मानती तब तक हम विभिन्न तरीका से आंदोलन को सफल बनाने के लिए प्रयास करें। को समझना होगा कि जब मैं ये छोटे छोटे मांग को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरे खिलाफ में कोई नगाड़ा बजा के प्रदर्शन कर रहा है, तो कोई बीन बजा के प्रदर्शन कर रहा है, तो कोई भीख मांग के प्रदर्शन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से शासन विचार करेगी कि इस तरह से मेरा फजीहत हो रहा है करके। अच्छा, क्या लगता है अगर आपकी मांग जो है पूरा नहीं हो रहा है, ना शासन प्रशासन के बीच आपका कोई बातचीत अभी तक नहीं हुआ है, आपके धरना को 14 दिन हो गया, आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति आमरण अनशन है।